त्रिपाठी जी, जिनके संरक्षण में ये चुनाव लड़ रही हूं, और 5 वर्ष से जिन्होंने परिवार हेतु कुशल संगठक आदरणीय गजाधर जी को विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि आज किसान भाइयों तो इस वक्त बड़ी खबर निकल के आ रही है अमेठी से। अमेठी पे जहां पर स्मृति ईरानी को करारा जनता ने मारा है करारा तमाचा। जी हां, दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि इस वक्त अमेठी का सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदला हुआ है। जहां एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी के सामने है। ऐसे में अमेठी की सीट हॉट सीट बन गई है। तो दरअसल हम आपको बता दें दोस्तों, ऐसा हुआ कुछ ऐसा कि स्मृति ईरानी गई थी एक बड़गांव नाम के गांव में जनसभा को संबोधित करने। यानी वो कहीं ना कहीं हम माने कि उस जनसभा को संबोधित पिछले 2-3 दिनों से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, और वहां पे लगभग माना जा रहा था कि 1000 से 2000 लोग आने वाले थे। लेकिन स्मृति ईरानी की वो तैयारियां फीकी तब पड़ गई जब वहां पे जनता आई ही नहीं, जनता की भीड़ ही नहीं इकट्ठा हुई। अगल बगल के गांव से लोगों को आना था, लेकिन वहां पर भीड़ ही इकट्ठा नहीं हुई, पूरी की पूरी कुर्सियां खाली रह गई। जब स्मृति ईरानी आई और देखी कि उनके भीड़ में जहां 1000-2000 लोगों को आना था, महज 200 से 250 से एक छोटी सी रैली, एक छोटी सी जनसभा बनकर संबोधित कर दी। उसके बाद से उनका माथा पूरी तरीके से घूम गया, और जल्द ही पूरी जनसभा को संबोधित किए बिना ही स्मृति ईरानी वहां से निकल पड़ी। ऐसा उनके साथ एक बार नहीं बल्कि 4 से 5 जनसभाओं में हो चुका है, जहां पर स्मृति ईरानी की पूरी कुर्सियां खाली रहती थी, ज़्यादा लोग भीड़ इकट्ठा नहीं हो पा रही है। यानी हम कह सकते हैं कि स्मृति ईरानी की इस बार अमेठी में पूरी तरीके से प्रचार करने में पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि जनता जिस तरीके से उनको नकार रही है, भारतीय जनता पार्टी को स्मृति ईरानी को नकार रही है, इससे कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। क्योंकि स्मृति ईरानी इस बार बीजेपी वालों का दावा है कि कड़ी टक्कर दे रही हैं, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस का जो गढ़ है वो अभी हिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर स्मृति ईरानी, तो एक वोट का भी सेंधमारी करने में कामयाब नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, स्मृति ईरानी को, वहाँ के लोग बाइकॉट कर रहे हैं, वहाँ के लोग सुनने ही नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में एक बात तय है कि जिस तरीके से निराशा बीजेपी को लेकर अमेठी के लोगों में है, कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी के सपनों पर पानी फेरता हुआ दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की एक बार फिर से भारी संख्या में जीत हो सकती है। उसके बाद बात करें हम दोस्तों कि कल उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया, इतनी भारी संख्या में भीड़ देखकर पूरी तरीके से बीजेपी के होश उड़ गए हैं, और माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी एक बार फिर से अब अमेठी छोड़कर दिल्ली आने वाली हैं। लगातार 1 हफ्तों से डटी हुई हैं स्मृति ईरानी, और अब वहां से फिर से दिल्ली आने वाली हैं रेस्ट के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जनता ने उनको भीड़ के लिए तरसाया है, जनता ने वहां पर उनकी जनसभाओं में ना जाकर जिस तरीके से काम किया है, इससे पूरी तरीके से स्मृति ईरानी में है हताशा में है। ऐसे में अब दिल्ली वो छोड़ने वाले, ऐसे में अमेठी छोड़कर फिर से दिल्ली आने वाली हैं, लेकिन फिर से बाद में अमेठी जाएंगी। लेकिन कुछ जो खबरें निकल के आ रही हैं कि अब कुछ दिनों के लिए वो फिर दिल्ली जाने वाली हैं, तो ऐसे में अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को दे दिया है करारा तमाचा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि आप क्या सोचते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।